पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। पीसी शर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीदा, इसके बाद गोमूत्र खरीद रही है। इसके साथ ही पीसी शर्मा ने कहा कि जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तो हमने गौशालाएं बनवाई थी। इस दौरान कांग्रेस नेता जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा। वहीं उन्होंने कहा कि मैनेट और एम्स में आत्महत्या के मामले को लेकर पीसी शर्मा ने इस पर भी बयान दिया और कहा कि महंगाई के कारण नौजवान युवक आत्महत्या कर रहे हैं। और ये उन लोगों की गौरव गाथा बताता है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जान दी, जेल गए अंग्रेजों की। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम, ये 10-10, 12-12 साल जेल में रहे। लेकिन जो लोग आज इस तिरंगे के बांटने की बात कर रहे हैं, एक नहीं था उस समय, वैसे इनका तिरंगे पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये कर रहे हैं लगेगा घर घर, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसका अपमान